आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जोशी प्रदेश में अपनी टीम खड़ी करने के लिए संगठन में फेरबदल कर सकते हैं। अब माना जा रहा है कि अगले महीने सबसे पहले युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष के पद पर किसी युवा चेहरे को नियुक्त किया जा सकता है, जिसको लेकर अभी से ही अधिकांश युवा नेता इस पद को पाने के लिए सियासी लोबिंग में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, जोशी महिला मोर्चा सहित कई पदों पर जातिगत समीकरण साधते हुए पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष नेता और सतीश पुनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। सीपी जोशी संगठन में करेंगे बड़ा बदलाव। संगठन में काम करने वालों को मिलेगी जिम्मेदारी। बदलाव में जातिगत समीकरण पर रहेगा फोकस। सबसे पहले युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष की होगी नियुक्ति। इसके बाद जिला स्तर पर होगा बदलाव। प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में होने वाले फेरबदल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फीडबैक भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए जीतना एक चुनौती होगा। ऐसे में पार्टी में चल रही गुटबाजी एक बार फिर इस बदलाव के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बदलाव में सभी नेताओं का ध्यान रखा जा सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।